काराकाट लोकसभा में हूँ और यहाँ जो है चुनाव होने वाला है, 1 जून को चुनाव होगा। लेकिन अभी हमारे साथ में रोड पे हमेशा रहने वाले अमित जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काराकाट में जिस तरीके से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है पवन सिंह के द्वारा, उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा या और भी इंडिया गठबंधन के द्वारा, क्या सच में वैसा माहौल है? क्या है माहौल जो यहाँ का कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी या पावर स्टार पवन सिंह के जो है पक्ष में है, क्या ऐसा संभव है, ऐसा सच में है? देखिए, जो पावर पावर बोल रहे हैं आप, ये पावर वाला बातें छोड़ दिए। पावर हम नहीं बोल रहे, वो पावर समय बोलते हैं कि पावर यहीं से खत्म होला, यहीं से शुरू हो। जन्म कहिया कहीं ना कर्म कहिया बनलाइन। पावर तो उनका देखा जाए चुनौवे में उनका जतिया कह के वोट दे तड़न और सब जतिया उनका वोट दे दिया सन ना, तो तब देख हमको पावर बा। लेकिन राजपूत कह रहे हैं कि हम लोग जो है उन्हीं को वोट देंगे। अब तो समय ना बताई, ए राजवा तोरा ए नौवा नौवा वाला राजवा कर सी कितना बार बा, तू गिनतिया के दिन पता चल जाए पवन के कि झूठो खानी हवा में उड़त रहन कि चुनाव लड़बो करी हैं। अगर दबाव दे दी बीजेपी तो चुनावों का लड़ जी हैं, उनका दम बा। बोले पावर है यार, आप दम की बात, उनका दम बा, दम हुई तो देखिएगा ना क्या होगा। अगर चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए आपको सही बात बता दे रहे हैं, ये राजपूतों का सीट था, तपेशा सिंह लड़ते थे, चुनाव जीतते थे, उनकी बेटा जीता, उनकी बहू जीती, उसके बाद यहाँ से बीजेपी राजपूतों का पतन कर दिया और पतन करने के बाद अब पवन सिंह आए हैं तो उनकी जाति उनको कितना मदद करता है अब तो उन पर निर्भर कर रहा है। उनके जात के लोग कर रहे हैं मदद करेंगे, आपको क्या लगता है? हमको रोड पर रहने वाले आदमी हमेशा रोड पर रहते हैं, आपको तो माहौल पता चल रहा है। चिल्लाने में या करने में बहुत अंतर होता है, 10 गो लेके चिल्ला दो लोग तो वो माल नहीं। पवन सिंह के साथ भीड़ भी काफी दिखने को, वरिष्ठ लोग लेके घुमस, वरिष्ठ लोग लेके घुमस, अपना जाति के वरिष्ठ वरिष्ठ लोग लेके घुमस तब ना वोट मिली। ऐसे वोट नहीं मिलेगा जो भीड़ दिखाई दे रहा है। अरे भैया, नौजवान 10 गो साथे घूमत तो वही पर वोट मिल जाये। कल तो उनका सभा था, बहुत सारे जगह गांव में हुआ, लाखों लोग देखने को मिला, देख रहे हैं। एगो हीरो आ जा सको हीरोइन तो कितने लोग देखे आवल ये पता बात आ रहा, उहे हाल तो बा अभी। अब तो कहत रहन कि पावर हैं पावर हैं पावर हैं, पावर कौची के हैं? खाली फिल्मिया में डिस्को डांस करे से पावर हो गई। चुनाव में ये सब नहीं चलेगा, डिस्को डांस चुनाव डांस के हो। अब तो देख तो ले उनका गाड़ी में कितना दम बा, पावर पावर बोल न कि कितना वोट उनका जाति कैलन तब न जान कितना पावर बा। पावर एजल स्टार्ट होला, कौची स्टार्ट होला, उनके पसा बा दुनिया बा, उनकर जतिया के अपना भोजन चलाओ तहन पावर पावर कर लो न। पावर देखा में चुनौवा में कि कितना उंगा में दम बा, लाल झूला पहन के चलो तहन कि हम बीजेपी हैं, अब वोट लिए सबके लिए बीजेपी में शामिल होंगे ये कोई बात नहीं। क्या एगो बात सबसे बड़ी बात है, निर्दलीय है, जिस दल में दलदल न हो उसे निर्दल कहते हैं, इस पर मेरा कोई टिप्पणी ना है। वो अच्छा है, नौजवान है, लड़े चुनाव, अगर उनकी जाति वोट दे रहा है तो लोग भी वोट दे रहे हैं और लड़ाई त्रिकोणीय है, यहाँ जो पक्षीय नहीं त्रिकोणीय लड़ाई है, राजा राम सिंह हैं, उपेंद्र हैं और पवन हैं। लेकिन जो भाजपा का उम्मीदवार बन के आए हैं उपेंद्र, भाजपा वालों इनका पतन करने की पारस वाला नीति चल दिया है लोग, और इनका पतन जरूरी भी है। अच्छा, पवन सिंह को खड़ा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग किया है, ये तो हम नहीं देखे हैं ना, आप देखे हैं, लेकिन आप जानते होंगे ना, रोड पर रहने वाले आदमी हैं, बिहार में रहने वाले आदमी हैं, कोई जान रहा है, कोई देख रहा है कि कौन किसको लड़ा रहा है? बीजेपी वाले प्रचार कर रहा है क्या पवन सिंह को? पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। ना ना, झूठा बात है, बीजेपी के गाड़ी पवन सिंह के रैली में घूम रहा है, गलत बात है, बीजेपी के झंडा भी दिख रहा है। झंडा जब दिख जाए तो सिम्बुलम मिल जाता है, झंडा रही तो सिम्बुलो ना मिल जाए, तो सिम्बुलवा का नहीं मिल जाते, आसनसोल गई रहन काहे भाग गई रहन। लेकिन देख उनका ट्रीटमेंट सुन ले रहे हैं कि माँ ने बोल दी है हमें चुनाव लड़ूंगा, तो देखते हैं ना उनका माई के आशीर्वाद बा पवन सिंह पर, तो चुनाव लड़ा तरन की भागा तरन भगौड़ी वो हम भाग जी हैं और का कहाँ से भाग गए? अभी नमनेश आसनसोल भगलन ना, तभी हिजोला भाग जाए कि क्या करें कौन ठीक बका,
भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है।